झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC के कार्यालय का शुक्रवार को घेराव करने करीब 1000 अभ्यर्थी पहुंचे। इस दौरान विरोध करने आए एक अभ्यर्थी ने खुद पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने की भी कोशिश की। हालांकि मौके पर तैनात पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर उस अभ्यर्थी को इतना बड़ा कदम क्यों उठाना पड़ा। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इस वर्तमान सरकार से छात्र कहीं ना कहीं नाराज चल रहे हैं, और यही वजह है कि आप देखेंगे कि छात्रों का आंदोलन लगातार जारी रहता है। कभी छात्र नियुक्तियों को लेकर विरोध प्रदर्शन करते देखे जाते हैं, तो कभी एग्जाम की तिथि घोषणा होने के बाद एग्जाम कैंसिल होने पर विरोध करते हैं। जब इस विषय पर सत्ताधारी मंत्रियों से सवाल किया जाता है तो वे सीधा पल्ला झाड़ लेते हैं। ऐसा लगता है मानो उन्हें युवाओं छात्रों से कोई लेना देना नहीं। आपको सुनवाते हैं मंत्रियों ने क्या कहा है। एक ने पेट्रोल छिड़क लिया, कहा कि जब सरकार नौकरी नहीं दे सकती तो हमें मौत दे। तो जानकारी हमें नहीं है, हम बाहर थे। मंत्री जी इधर भी, इधर जब आप अभी हम आए जानकारी कर लेते हैं, फिर आपको जवाब। सर 1932 को लेकर कुछ वाले मुद्दे पर क्या हुआ? स्थानीय और नियोजन नीति तो वापस हो गया। नहीं 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 हुआ, आज कैबिनेट में नहीं है, सब नहीं आया कुछ सवाल नहीं था। मंत्री जी ये बता दीजिए, आज JSSC कार्यालय के पास छात्र पहुंचे थे, एक छात्र अपने ऊपर पेट्रोल भी डाल लिया आत्महत्या करने के लिए, इस मामले पर क्या कहेंगे? इस विषय पर माननीय मुख्यमंत्री जी गंभीर हैं, इसका जल्द रास्ता जल्द निकलेगा। लेकिन छात्र जिस तरीके से आक्रोश है, तो सब समय पर जब मन के काम हो जाएगा तो फिर आक्रोश में क्यों रहेगा? फिर भी जो परीक्षा स्थगित हुई है, अब इनको ज़्यादा एथी मत किया करो। छात्र आंदोलन कर रहे हैं JSSC के बाहर और खुद पेट्रोल भी डाल दिया। अब देखिए, अब छात्र ने पेट्रोल डाला है, ये दुखद है। हम युवाओं से कहेंगे, युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति है, राष्ट्र शक्ति युवा शक्ति है, इसलिए अपनी शक्ति का बेजा इस्तेमाल नहीं करें। सरकार पूरी संवेदनशील है और नौजवान के हाथ में इस झारखंड की बागडोर और कमान है, और नौजवान नौजवानों का दिल का दर्द जानता है, इसलिए वो थोड़ा सब्र करें। डोंट लूज पेशेंस, इफ़ यू लूज पेशेंस देन यू लूज ऑल थिंग्स। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पेशेंस मत लूज कीजिए। लेकिन मैं इस बात को भी कहूंगा कि जो लोकसभा में जो लोगों ने छलांग लगाई है, वो लोग भी जो है नौजवान हैं, वो भी दुख के मारे हैं, और किस परिस्थिति में लोकसभा में छलांग लगाई ये दुखद है। लेकिन उन्होंने जो मुद्दे उठाए वो बड़े हैं, इसलिए केंद्र सरकार को उन मुद्दों पर भी गंभीरतापूर्वक चिंतन करना चाहिए।